गर्मियों की छुट्टियों में अध्यापकों को स्कूलों में बुलाने के विरोध में शिक्षा सचिव और डीपीआई से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा गया। ये कहना है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर भाग सिंह कैरों का। यूनियन की तरफ से छुट्टियों को रद्द करने के विरोध में मस्जिद ग्राउंड सेक्टर 20 में रोष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के नेताओं के अलावा कई अध्यापकों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान यूनियन के द्वारा शिक्षा विभाग की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा गया कि विभाग की तरफ से जानबूझकर छुट्टियों को रद्द किया गया है, जो गलत नीति है। उन्होंने कहा कि मामले में विरोध दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को शिक्षा सचिव सरबजीत सिंह और डीपीआई रुपेंद्र जीत सिंह से मुलाकात की जाएगी। इस रैली में खुशी राम शर्मा, शवेंद्र सिंह और रणबीर राणा मुख्य तौर पर मौजूद थे। मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी में सेक्रेटरी भी हूँ, तो आज हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए थे कि जो इन्होंने हमारी जून की छुट्टियाँ कैंसिल करने की कोशिश की है, उसके विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हमने सिर्फ मीटिंग की है और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया कि अगर ये 23 तारीख तक अगर ये अपना वापस नहीं लेते हैं डिसीजन, तो एक बहुत बड़ी महारैली होगी, वो चाहे उसको मोदी के विरोध में माने या किसी के विरोध में माने। बता दें कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 21 मई तक उनके मुद्दों को हल करने की मांग की है। टीचरों की समस्या को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो इसका परिणाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ कुलदीप कुमार, नेशनल पल्स।